अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग, मैं हूँ डाटा बलोच। कस्टमर आ गया सुबह सवेरे, शुक्र है मालिक का, एक में सबर। तो भाई कस्टमर को चीज़ वगैरह दे के तो हमारा सुबह सवेरे माशाल्लाह आ गया दुकान। ये भाई आ गया हमारे लिए चाय, और ये पड़ा हुआ भाई हमारा बिस्किट है। यहाँ से कोई भी एक बिस्किट उठा लेगा, थोड़ा बहुत खा लेगा, फिर इंशाल्लाह नाश्ता बाद में करेंगे ना यार। तो दुकान में मैं जैसे ही जब भी घुसता हूँ तो सबसे पहले यार आप लोग भी, मतलब कोई भी कारोबार हो या कोई और रोजी हो, सब मतलब दुकान खोलेगा ना तो ये आया तो ये पढ़ो इंशाल्लाह ताला आप लोग का दुकान में और रिस्क में इतना बरकत होगा ना, आप लोग का सोचो गुमान में भी नहीं होगा। पढ़ो ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, लहू कुरान हरूफ मुकद्दरात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। मतलब ये सारा जितने भी, ये सारा पढ़ के फिर ये पढ़ो, गौर से पढ़ो इंशाल्लाह, इस लहू कुरान को देखने वाले का सब मुश्किलात आसान हो जाता है। सुबह इसे देखकर जो काम शुरू कर दिया जाएगा वो पूरी होगी, और गेवी तरीक़ों से इसमें दौलत आने लगेगा। और घर से निकलने की दुआ, वो तो आप सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता फिर भी सुन लो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मतलब ये पढ़ो और इंशाल्लाह अपने रिस्क में बरकत देखो, इतना बरकत होगा ना इंशाल्लाह आपको सोच और गुमान भी नहीं होगा। मैं जब भी शुक्र है अल्लाह का, मतलब ये मेरा बड़ा भाई ने मेरे को सिखाया, जब भी मैं इंशाल्लाह दुकान में आता हूँ ये पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत फ़ायदा होता है, और शुक्र है मालिक का। और शायद आप लोग भी देख रहे हो माशाल्लाह मैं कितना खाता पीता हूँ, इन्जॉय करता हूँ, बस शुक्र है मालिक का एहसान है। तो ये हमारा भाई दुकान है, तो अभी बैठते हैं बस गपशप लगाते हैं, दुकानदारी करते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं यहाँ से फारिग होऊंगा तकरीबन, देखते हैं ना भाई लोग किस टाइम उठेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं, मेरा ड्यूटी ख़त्म होगा फिर जाऊंगा, आप लोग के लिए वीडियो वगैरह बनाता हूँ। बस यही अपना रूटीन भाई, आप लोग को भी पता भी लग गया मेरा रूटीन क्या है। पकाया बार डाटा बोलो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है ना मेरी जान। नाश्ता करके दोनों में याद रखना। ये आ गया भाई हमारा ठंडा ठंडा स्टिंग। तो यार घर पे भाई बेटा, आज यार सीन ऐसा हो गया ना कि आज मेरा मोबाइल का चार्ज क्या गलत है। देख हमारे बारे में तुम लोग वीडियो बना रहे हैं गलत। तेरा बारे में क्या बना रहा, तूने क्या किया जो मैं तेरा बारे में बना रहा हूँ। तो नहीं नहीं कसम से नहीं, अपना व्लॉग बना रहा हूँ मैं। असल में यार आज जुम्मे का दिन था, आप सबको मेरे तरफ से जुम्मा मुबारक। और मेन बात क्या था, आपको पता है यार मेरे को पता नहीं था जुम्मा का, फिर बस जुम्मे का नमाज था, मोबाइल में चार्ज नहीं था तो वीडियो नहीं बना पाया। फिर मैं गया नमाज पढ़ने, नमाज वगैरह मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद आए घर के, थोड़े बहुत काम थे वो काम किया, फिर खाना वगैरह खा के। और मुन्ना भाई मेरा फैन है, वहाँ से इशारे दे रहे हैं मुन्ना, यही जिसका मैंने तुम लोग को कल रात को वीडियो दिखाया वही मुन्ना है। तो ये हमारा कबीर भाई है, वन टू के साथ भाई टशने मारा कच्चत बना के आया, और सिद्दीक भाई है। तो स्टिंग वगैरह पीते फिर आपसे मुलाकात करते हैं ना, लेडीज़ भी आ रहे हैं ना, वीडियो बनाएगा मज़ा नहीं आएगा ना यार। हमारे सब्सक्राइबर के बारे में क्या बोलते हैं भाई, यार साथ को भी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। तो यार तेरा भाई फिर से भाई आ गया अपने दुकान के ड्यूटी में, तो दुकान का टाइम हो गया। तो यार आप लोगों से एक बात करना है यार, अभी जितने भी लोग मतलब मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंटे करते हैं, सबसे पहले आप दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यार मैं दुकान में बैठो, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मतलब आप लोग जितने वीडियो मतलब देखते हो ना, आप लोग मतलब कोई ऐसा सीन बता ताकि मैं अपने कस्टमर के साथ कोई प्रैंक वगैरह वीडियो बना लूँ, या कोई ऐसा सवाल वगैरह पूछ लूँ, ताकि आप लोग मतलब मज़ा आवे, आप लोग को भी ताकि तफरी हो ना, आप लोग मस्ती करते रहे। मतलब जिस भाई का भी कोई भी अगर जहन में कोई माइंड में अगर कोई ख्याल या कोई बात उल्टा सीधा अगर चल रहा है, तो दुकान के हवाले से मतलब मेरे को बता ताकि मैं अपने कस्टमर को तंग करूँ या कोई फ़नी वीडियो बनाऊँ उसके साथ, कमेंट में बताया करो, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा ना, ताकि आप लोग को भी मज़ा आएगा और मेरा भी टाइम पास दुकान में होता रहेगा, ठीक है ना मेरी जान। पकाया अभी थोड़ा बहन को मैंने बोला यार दुकान में बैठे हुए ऐसे ही गोश्त मोश्त रखा हुआ बिला हुआ जाए फ्रिज में, मैंने बोला बस बनाओ थोड़ा खाते पीते, ऐसे ही फालतू दुकान में बैठा हुआ है। और आपका भाई माशाल्लाह वैसे भी खाता पीता बहुत है, कस्टमर आ गया भाई, तो अभी बस यही थोड़ा कस्टमर को फारिग करते, बोले गोश्त मोश्त आएगा फिर गोश्त मोश्त खाते तफरी करते, ठीक है ना मेरी जान। और बगैर कमेंट में लाजमी जवाब देना मेरे को, ठीक है ना मेरी जान, फिर रब्ता करते आपसे, ठीक है। और यार इलियास भाई मेरे पास आया, मेरे को बोलते हैं यार थोड़ा यार ये वाला तेली चाहिए यार तकरीबन 10-15 दाने। तो मैंने बोला चल सही है यार, मुश्किल नहीं है भाई इसको, फिर मैंने 15 दाने तेली दिया गोश्त बांटने के लिए, ताकि मेरे को सवाब मिलेगा, बोलते तेरे को पैसे दूंगा। मैंने बोला यार तेरा पैसे नहीं चाहिए, तो नहीं ले ले भाई, तेको पैसे दूंगा ऐसे ही मैं नहीं लूँगा, मैंने ऐसा कर, फिर पैसे नहीं थे मेरे लिए, मैं सावा सावा थोड़ा बोटी ले गया भाई, तो जवान का बच्चा नहीं था कैसा बोटी ले गया यार, मेरा तबीयत कुछ हो गया मेरे, मेरे को पता होता फिर मैं तेको 15 तेली के बजाय मैं तेको 20-30 तेली और भी देता यार। मैंने बोला देख यार ये फ्रीज साफ है, तो उन लोगों को चेक करा दो, देख कितना गोश्त दिया। अरे वाह, अरे वाह,
ये देखो यार ज़बरदस्त यार, देख ऐसा गोश्त कोई देवे ना ताकि हम भी बोलेगा यार वाकई देख साबत पीस दिया भाई ने यार, वाह वाह ज़बरदस्त। इलियास भाई बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक यू आपका। और कोई भाई अगर गोश्त देना चाहता है तो डायरेक्ट डाटा बलोच का दुकान है ये फरीद का, वो फ़कीर कॉलोनी औरंगी टाउन सेक्टर नंबर 10, ये हमारा दुकान है और ये बाहर का जगह है। जिस भाई को भी अगर गोश्त देना है तो मेरे को दे देवे, ठीक है ना मेरी जान। तो यार मैंने आधा खाना खा लिया, फिर मेरे को याद आया यार, मैंने बोला यार मैंने तो वीडियो तो नहीं बनाया यार, अपने अंकल की बच्ची सवर कर अभी गाना गा रही हूँ। ये देख रहे हो माशाल्लाह मेरा बहन ने बनाया है, बहुत मेहनत की है मेरा ये छोटी बहन ने है, बहुत मेहनत से बनाया है, बड़ा प्यारा है। ये भाई ने खाना ले गया है मेरा बड़ा भाई ने शहजादे ने, तो खाना वगैरह खाते फिर आपसे मुलाकात करते, ठीक है ना मेरी जान। अटा अटा अटा, ये भाई खाना माशाल्लाह खाया आज यार, बहुत मज़ा है भाई। देखो पता कुर्बानी का गोश्त है माशाल्लाह, ऐसा कढ़ाई बना हुआ था ना माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया भाई, मतलब ये कोल्ड ड्रिंक होगा तो मज़ा आ जाएगा ना यार, वाह वाह ज़बरदस्त भाई मज़ा आ गया। और जान क्या ले, हाँ ना व्लॉग बना रहा है यार, और हीरो हाँ ना यार तेरा दोस्त मेरे को देखता रहता है यार, तुम नहीं देखते, तेरा दोस्त मेरे को देखता रहता था, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो यार ये शर्जील भाई हमारे से ईद मिलने आया था भाई, ईद वगैरह मिल लिया, तो ये पराज भाई बैठे, पराज भाई क्या हाल है जी? हेलो सर। और भाई मजे में ना? ठीक ठाक ठीक ठाक। तो मैंने शर्जील भाई ने ये वेप लाया, मैंने थोड़ा अम्मी कशमश लगाते तुम लोग को चेक कराएगा यार, लुक यहाँ पर आता है आपको पता है। अबे खराब हुआ ना, अरे नहीं अरे अबे ये यार गला पकड़ रहा है डाली सजी, ये यार फ्लेवर आर्ट, फ्लेवर आर्ट डाला हुआ है ना, वरना यार हमने देखो पता ये बहुत इस्तेमाल किया लेकिन ये गला अडाई पकड़ रहा है ऐसा, एक मिनट पे ट्राई करते हैं आराम से के जोर से नहीं के गले आराम से के जोर से खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अबे ले जा अबे, बीमार कर दिया इसने मेरे को, काना खराब की अड़े ने मेरे को, बेकार चीज लाया खराब, सर में दर्द होगा इतना काना माना मैंने कहा, रोटी भी पड़ा हुआ पानी पड़ा हुआ सारा असम हो गया हुआ, इतना जल्दी दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा अड़े बेकार है यार। मैंने बोला भी इधर भाई नहीं हम लोग का भाई, उसने मेरे को बोला बस अगले सीख लेके आऊँगा, मैंने चल सही है भाई अभी उसी का इंतजार करिए, मैंने इस वजह से रोटी रखा हुआ, मैंने बल्ले वो आएगा सीख लेके आएगा फिर सीख नहीं खाते फिर मज़ा आ जाएगा ना यार, तब तक थोड़ा वेट करो मैं दोस्तों से गपशप लगाता हूँ ना यानी। तो फिर यार डाटा बलोच के इस ब्लॉग को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट टू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।